नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। यह व्रत कैसे किया जाता जो भी है, यह व्रत सुहागिन और कुंवारी लड़कियाँ भी रह सकती हैं, अपनी कृपा बनाए रखती। माता रानी को प्रसाद में हम खीर का भोग लगाते हैं, क्योंकि इस व्रत में खीर का ही भोग लगता है। 11 या 21 जितने भी व्रत हमें करने हैं, उतने माँ के सामने हम व्रत रखने का संकल्प। माँ को हम लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं, हो सके तो हम भी पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इस पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ। माँ का हल्दी कुमकुम से तिलक करें और कटोरी में रखे हुए गहने को भी हल्दी कुमकुम से पूजा करें। माँ को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, श्री यंत्र पर भी हम कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद हम विधि पूर्वक से माँ की कहानी पढ़ें। कहानी पढ़ने के बाद हम आरती करें और 11 बार इसके बाद हम सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी का 11 बार स्तुति करें। इस तरह से हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं। जो भी यह व्रत विधि पूर्वक और सच्चे हृदय से करता है, माता रानी उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। माता रानी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।